जो विधि लिखा लीलार भाग्य में जो है ना, तो मनुष्य की चतुराई कुछ नहीं काम करती है। एक बार क्या हुआ, एक कथा सुनाती हूँ आपको। एक सेठ जी थे, सुबह सुबह बढ़िया नहा धो के तैयार हुए, और तैयार के हुए सोचे कि चले हम अपने काम धंधा पे निकलेंगे। सुबह का समय, उसी समय उनके दरवाजे की घंटी बजी। अच्छा, मैं जो ये कथा बताने जा रही हूँ ना, इसके शब्दों पर विशेष ध्यान मत दीजिएगा, नहीं कहिएगा ऐसा भी होता है क्या। शब्द नहीं, सारांश समझिएगा। अब सेठ जी ने दरवाजा खोला, एक काला काला भयंकर सा रूप लिए हुए एक आदमी। सेठ जी ने कहा, जी आप कौन? सामने से उन्होंने कहा, हम यमराज हैं। वैसे यमराज डोरबेल बजा के नहीं आते, मैंने कहा ना कि शब्द पर ध्यान मत दीजिए, सारांश समझिए। सेठ जी से उन्होंने कहा, हम यमराज हैं। अब बेचारा सेठ तो थर थर कांपे, सुबह सुबह किसका मुंह देख के उठे थे कि इनका मुंह देख रहे। सेठ ने तब भी थोड़ा समझदारी से काम लिया। सेठ ने कहा, महाराज आप कैसे आए? यमराज ने कहा कि ये देखो डायरी, आज इसमें पहला नाम आप ही का है, सो आपको लेने आया है। सेठ जी ने कहा, हे भगवान, पहले ही नंबर पे हम हैं। तो सेठ जी थोड़े चतुर थे। सेठ जी ने कहा, महाराज इतने दूर से आए, वो भी भैंसा पे बैठ के, थक गए होंगे। आप चलिए थोड़ा, हम आपको जलपान वगैरह कराते हैं, विश्राम करो। अब जब जाना है तो चलना तो है ही, लेकिन थोड़ा ठहर लो, आप भी थके हारे होंगे। सो बिठाया बढ़िया, खूब जलपान कराया, चकाचक छवाया। अब जब ज्यादा भोजन कर लो तो क्या आती है, थोड़ी सी ये है, थोड़ा सा हाथ पैर सीधे हो जाते तो अच्छा रहता। सेठ ने कहा, महाराज थके थके से लग रहे। सेठ जी आपने इतना पवा दिया ना कि अब थोड़ा सा विश्राम करने का मन। अरे महाराज आप चलिए, हमारा मास्टर बेडरूम खाली है, अब भी चलो। बढ़िया, पूरा अंगा पंखा एसी फेसी जितना था सब चला के लिटा दिया। यमराज सो गए, हालांकि ऐसा होगा नहीं, मैं फिर कह रहे, यमराज सो गए। अब सेठ ने क्या किया, जो डायरी थी ना, डायरी जिसमें नमुआ लिखा था ऊपर, डायरी गया चुपके से उठाया और ले भागा नीचे, आया सीधे ऊपर सुलाया था, नीचे भाग के आया। देखा पहले नाम सबसे ऊपर मेरा नाम, आजकल वाइटनर आता है, कुछ गलत हो जाता है तो सफेद वाला पोत के उसको सही कर देते हैं, करते हैं ना। तो सेठ जी ने क्या किया, अपना नाम मिटा दिया पहले नंबर से, और कहां लिखा, आखिरी में, आखिरी पेज पे अपना नाम लिखा। सेठ ने सोचा, रे यहां तक आते आते 8-10 साल तो निकल ही जाएंगे, कम से कम 8-10 साल और रहेंगे, आखिरी में नंबर है, जितनों को जब तक ये उठा उठा के ले जाएंगे तब तक तो हम जी लेंगे 8-10 साल। अब सेठ बड़े खुश, बढ़िया मुझ पे तादे के ऐठे घूम रहे हैं, अब हमारा बिगाड़ ही हमारा, नाम ही नहीं लिखा है तो कहां से ले जाएंगे। अब एक घंटे बाद यमराज उठे, यमराज की आंख में आज आंसू आ। वैसे लोगों की आंख में आंसू आते हैं यमराज को देखते, लेकिन आज यमराज की आंखों में आंसू आ गए। क्यों? सेठ के प्रेम को देख। कहा यमराज आए, सेठ हमें देख के ना लोग दरवाजा बंद कर लेते, चीखते थे, चिल्लाते थे, आप पहले ऐसे हो, इतना सत्कार, इतना प्रेम, बड़े खुश हैं हम आपसे, बहुत खुश हैं आज हम सेठ जी आपसे, अरे इतना खुश हैं कि आज हम आपके लिए अपना नियम बदल देंगे। बदल देंगे महाराज मतलब? अरे नियम बदल देंगे बेटा, आज तक मेरा नियम था कि मैं पहले नंबर से उठाना शुरू करता था, आज मैं तुम्हारे लिए आखिरी नंबर से उठाना शुरू करूंगा। आज जिसको ले जाऊंगा ना वो आखिरी से। सेठ ने कहा, तो पहले पे हम ठीक थे, उससे ठीक तो चतुराई काम आई क्या? मित्रों हर पल को जियो, हर पल अंतिम मान, और अंतिम पल है कौन सा, कौन सका है जान। और कोई कितना धनवान हो और कोई कितना हो महान, पर एक दिन जाते हैं सभी, बस कोई सुबह कोई शाम। सबको जाना है, यहाँ टिकने के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है। इस दुनिया को रैन बसेरा कहते हैं, धर्मशाला कहते हैं, मुसाफिर खाना कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं,
इसको फाइव स्टार होटल भी समझ सकते हैं कि जहाँ पर आप सब कुछ भी खर्च करो रहो वहाँ की हर एक चीज का इस्तेमाल करो, लेकिन ईमानदारी से जब चेक इन चेकआउट करने लगो ना तो सब छोड़ छाड़ के यहीं चले जाओ। ऐसा नहीं कि भैया हमने पैसा दिया है तो ये भी ले जाएंगे ये भी ले जाएंगे, कुछ नहीं ले जाओगे।